वर्ड प्रॉब्लम ऑन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से रिलेटेड आज हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉब्लम है अ स्मॉल बिजनेसमैन एलोकेट्स अलोकेट टाइम अमंग सेल्स बोथ न्यू क्लाइंट्स एंड ओल्ड क्लाइंट्स ऑफिस मैनेजमेंट एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग यानी एक बिजनेसमैन है जिसने अपना टाइम डिवाइड करना है सेल्स ऑफिस मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग में और सेल्स में उसके पास न्यू क्लाइंट्स और ओल्ड क्लाइंट्स दो कैटेगरीज आ जाती हैं ही डिसाइड्स डेट ही शुड डिवोट हाफ इज टाइम टू सेल्स एंड ट्वाइस एज मच टाइम टू ओल्ड क्लाइंट्स एज टू न्यू क्लाइंट्स तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने टाइम का जो हाफ पार्ट होगा वो सेल्स को देगा और उसमें से जितना टाइम वो न्यू क्लाइंट्स को दे रहा है उसका डबल यानी उसका ट्वाइस टाइम वो देगा ओल्ड क्लाइंट्स को ऑल्सो ही डिसाइड्स टू डिवोट मच टाइम टू न्यू क्लाइंट्स एज टू लॉन्ग रेंज प्लानिंग और प्लानिंग को उसने जितना टाइम देना है उसका डबल वो टाइम देगा न्यू क्लाइंट्स को अज्यूम ही वर्कस फोर्टी आवर्स ईच वीक तो हमने ये अज्यूम करना है कि वो हर हफ्ते फोर्टी आवर्स तक काम करता है तो पार्ट ए है फाइंड अ सिस्टम ऑफ फोर इक्वेशंस इन फोर वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म तो हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस का चार लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम बनाना है जो कि इस ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसमें चार वेरिएबल्स कौन से होंगे ये जो अपने टाइम को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है सेल्स में जिसमें न्यू क्लाइंट्स और ओल्ड क्लाइंट्स आ जाते हैं ऑफिस मैनेजमेंट और प्लानिंग में तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे चार वेरिएबल्स पार्ट बी में क्या है सॉल्व द सिस्टम एंड डिटर्मिन हाउ द बिजनेस मैन शुड एलोकेट हिज टाइम टू मीट हिज गोल्ड तो उसके बाद हमने क्या करना है हमने सिस्टम को सॉल्व करना है और देखना है कि वो सेल्स ऑफिस मैनेजमेंट और प्लानिंग पे कितना टाइम उसे रखना चाहिए चार कैटेगरीज हैं जहाँ पर हमने इस टाइम को मैनेज करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे पार्ट ए में है कि हमने इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम चार वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं एक्स वाई जी और डब्ल्यू एक्स शो करेगा टाइम फॉर ओल्ड क्लाइंट्स Y वेरिएबल है टाइम फॉर न्यू क्लाइंट्स, Z है टाइम फॉर ऑफिस मैनेजमेंट और W है टाइम फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग तो अब हम इन कंडीशंस के मुताबिक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है ही डिसाइड्स दैट ही शुड डिवोट हाफ हिज टाइम टू सेल्स और यहाँ पर बताया गया है ही वर्क फोर्टी आवर्स ईच वीक तो अगर वो हाफ टाइम सेल्स को देता है सेल्स में क्या है बोथ न्यू क्लाइंट्स एंड ओल्ड क्लाइंट्स तो न्यू क्लाइंट्स के लिए हमारा जो वेरिएबल है वो वाई है और ओल्ड के लिए एक्स है इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस को जो टाइम जा रहा है वो कितना जा रहा है हाफ ऑफ टोटल टाइम टोटल वो कौन सा टाइम दे रहा है सेल्स प्लस ऑफिस मैनेजमेंट जिसके लिए जी है प्लस लॉन्ग रेंज प्लानिंग जिसके लिए डब्ल्यू है नेक्स्ट कंडीशन है ट्वाइस एज मच टाइम टू ओल्ड क्लाइंट्स एज टू न्यू क्लाइंट्स यानी जितना टाइम वो न्यू क्लाइंट्स को दे रहा है जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका अगर डबल करेंगे यानी ट्वाइस करेंगे तो वो इक्वल आएगा टाइम फॉर ओल्ड क्लाइंट्स के तो यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई नेक्स्ट कंडीशन है ही डिसाइड्स टू डिवोट ट्वाइस एज मच टाइम टू न्यू क्लाइंट्स एज टू लॉन्ग रेंज प्लानिंग लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए हमने यहां पर वेरिएबल यूज किया है डब्ल्यू तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग को जितना टाइम वो दे रहा है उसका अगर ट्वाइस लेंगे तो वो इक्वल आएगा टाइम फॉर न्यू क्लाइंट्स ही वर्क फोर्टी आवर्स ईच वीक इसका मतलब यह है कि तमाम जो उसके गोल्स हैं उन सब के लिए उसने जो टाइम रखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू ये कितना है फोर्टी तो ये हमारे पास चार इक्वेशन आ गई हैं फर्स्ट इक्वेशन को हम कह देते हैं ए सेकेंड इक्वेशन है बी थर्ड इक्वेशन है सी और फोर्थ इक्वेशन है डी अब अगर हम इक्वेशन डी से जो वैल्यू है वो ए में डाल दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ फोर्टी जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी इसी तरह अगर बी को देखें तो यहाँ यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आती है x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन सी को देखें तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रही है y माइनस टू डब्ल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो और इक्वेशन डी जो है वो अरेंज फॉर्म में है तो उसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्टी तो ये हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया तो इसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो पार्ट ए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया पार्ट बी है सॉल्व द सिस्टम एंड डिटरमिन हाउ द बिजनेसमैन शुड अलोकेट हिज टाइम टू मीट हिज गोल तो अब हमने क्या करना है ये जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाया है इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका पार्ट ए था अब हम इसका पार्ट बी करेंगे जिसमें हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसका मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर पहले x के जो कॉफिशियंट है वो है वन y का है वन उसके बाद है एक्स वाई के बाद जी का कॉफिशियंट यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है तो हम लिखेंगे जीरो इसी तरह डब्ल्यू का कॉफिशेंट भी नहीं है तो ज़ीरो यानी कि हम यहाँ पर पहले एक्स वाई Z और W के कॉफिशियंट्स लिख रहे हैं उसके बाद हम इन कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे जो इक्वल की दूसरी साइड पर है तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वो है ट्वेंटी सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कॉफिशियंट है वन y का है माइनस टू जी जीरो डब्ल्यू जीरो और कांस्टेंट भी ज़ीरो थर्ड इक्वेशन में x जीरो y वन z जीरो w माइनस टू और कांस्टेंट जीरो नेक्स्ट इक्वेशन में x वन y1, z1, w1 और कांस्टेंट 40. तो ये हमारे पास इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया और हम इक्वलिटी के दूसरी साइड पर जो कांस्टेंट्स हैं उनको सेपरेट शो करने के लिए यहाँ पर एक बार लगाते हैं इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अब हम रो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लिखेंगे तो इसके लिए हम फर्स्ट रो की फ़र्स्ट एंट्री को हमेशा वन रखते हैं और उससे नीचे तमाम एंट्रीज़ को ज़ीरो तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले वन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इससे नीचे वाली एंट्रीज़ को जीरो करने के लिए रो टू में से रो वन को माइनस करेंगे और रो फोर में से भी रो वन को माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी वन वन ज़ीरो ज़ीरो ट्वेंटी रो टू में से आर वन को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो माइनस ट्वेंटी रो थ्री एज इट इज़ रहेगी ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो और रो फोर आ जाएगी ज़ीरो ज़ीरो वन वन ट्वेंटी तो ये हमने फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री वन और उसके नीचे तमाम एंट्रीज़ को जीरो कर दिया है अब हमने सेकेंड कॉलम की जो सेकेंड एंट्री है यानी ये जो माइनस थ्री है इसको वन करने के लिए रो टू को डिवाइड करेंगे माइनस थ्री से तो हम यहां पर लिखते हैं रो टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री तो ये इक्वल आ जाएगा बाकी मैट्रिक्स उसी तरह से रहेगा सिर्फ हम रो टू के एंट्रीज को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो ट्वेंटी बाय थ्री अब हमने सेकेंड कॉलम की सेकेंड एंट्री को वन कर दिया है इससे नीचे अब हम जीरो करने के लिए रो थ्री में से माइनस करेंगे रो टू को तो रो थ्री की एंट्रीज आ जाएंगी ज़ीरो 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 माइनस टू माइनस ट्वेंटी बाय थ्री अब हमें कॉलम थ्री में भी थर्ड एंट्री वन चाहिए तो अब हम क्या करेंगे रो थ्री और रो फोर को इंटरचेंज कर लेंगे यानी उन्हें स्वैप कर लेंगे तो रो थ्री और रो फोर को यहाँ पर हम इंटरचेंज करते हैं रो वन और रो टू एज इट इज रहेंगी रो थ्री आ जाएगी जीरो जीरो वन वन ट्वेंटी जीरो 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 माइनस टू माइनस ट्वेंटी बाय थ्री अब यहाँ पर थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री भी क्या हो गई वन अब हमने क्या करना है फोर्थ कॉलम की फोर्थ एंट्री को वन करना है इसके लिए हम रो फोर को डिवाइड करेंगे माइनस टू से तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा ज़ीरो 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 वन टेन बाय थ्री तो ये हमारे पास रो फोर की एंट्रीज़ में भी लास्ट जो एंट्री थी फोर्थ वो भी वन हो गई अब यहाँ पर रो वन की सेकेंड एंट्री को जीरो करने के लिए और रो थ्री की फोर्थ एंट्री को जीरो करने के लिए यहाँ पर हम रो वन में से माइनस करेंगे रो टू और रो थ्री में से माइनस करेंगे रो फोर को तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा रो टू और फोर की एंट्रीज एक सेम रहेंगी तो रो वन में आ जाएगा वन ज़ीरो 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 फोर्टी बाय थ्री और रो थ्री में आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो फिफ्टी बाय थ्री तो यहाँ से अब हम वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखते हैं तो फर्स्ट रो से अगर देखें तो एक्स का कॉफिशेंट वन है बाकी तमाम जीरो हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर्टी बाय थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय थ्री जी इक्वल्स टू फिफ्टी बाय थ्री डब्ल्यू इक्वल्स टू टेन बाई थ्री तो इसको हम लिखते हैं फोर्टी बाय थ्री आवर्स फॉर ओल्ड क्लाइंट्स एक्स जो वेरिएबल था वो शो कर रहा था ओल्ड क्लाइंट्स को वाई शो कर रहा था टाइम फॉर न्यू क्लाइंट्स तो उसको हम लिखेंगे ट्वेंटी बाय थ्री आवर्स फॉर न्यू क्लाइंट्स जी वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ऑफिस मैनेजमेंट के लिए तो उसका टाइम है 50 बाय थ्री आवर्स तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 बाय थ्री आवर्स फॉर ऑफिस मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट डब्ल्यू वेरिएबल है लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए तो उसका टाइम है टेन बाय थ्री आवर्स फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग तो यहां से हमने टाइम लिमिट्स कैलकुलेट कर ली हैं जिनके जरिए वो अपने गोल्स को मीट कर सकता है तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसको सॉल्व करके यहाँ से हम उसका सोलूशन फाइंड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया